हरे कृष्णा नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे भीतर छिपी असीमित संभावनाओं और हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वार को खोलता है। और ये विषय है, ये सब्जेक्ट है हमारी थर्ड आई, जी हाँ, हमारी तीसरी आँख। अब सवाल ये है कि तीसरी आँख है क्या? तीसरी आँख, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है आज्ञा चक्र, और ये हमारे मस्तिष्क में स्थित एक ऊर्जा का केंद्र है जो हमें हमारी भौतिक आँखों से परे जाकर देखने और समझने की क्षमता को प्रदान करता है। यह न केवल हमें बाहरी दुनिया को बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया से भी हमें परिचय करवाता है। तीसरी आँख हमारे मस्तिष्क के पीनल ग्लैंड से जुड़ी होती है जो हमें ध्यान, अंतर्ज्ञान और गहन सोच की प्रक्रिया को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। और इसे एक्टिवेट करना एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान तथा मानसिक स्पष्टता की तरफ लेकर जाती है। अब मन में सवाल ये होगा कि तीसरी आंख एक्टिवेट होने से क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा, आंखें बंद करके देखने की शक्ति। सुनने में अजीब लगा ना? जी हाँ, तीसरी आंख की सबसे अद्भुत शक्ति यही है कि हम आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। और ये कोई मैजिक नहीं बल्कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ही एक कॉम्बिनेशन है। इसके माध्यम से हम उन सब चीज़ों को देख सकते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं हो पाता। दूसरा फायदा, आत्मज्ञान में और हमारे अंतर्ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, ये बढ़ने लगते हैं। तीसरी आंख के एक्टिवेट होने से हमारी मन की शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। इससे हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। तीसरा बड़ा फायदा, मानसिक शक्ति और हमारा एकाग्रता यानी हमारा कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ने लगता है। यह हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा देता है जिससे हमारा मेमोरी पावर, हमारी मानसिक स्पष्टता के अंदर जबरदस्त वृद्धि होती है जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा फायदा, आर्थिक और हमें बिजनेस के अंदर लाभ होने लगता है। तीसरी आँख एक्टिवेट होने से हमें नए अवसर मिलते हैं, नई रचनात्मकता अपने अंदर डेवलप होने लगती है। इससे हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे हम हमारे बिजनेस को और हमारी आर्थिक स्थिति को हम और बेहतर बना सकते हैं। पाँचवा फायदा, सामाजिक प्रतिष्ठा। जी हाँ, जब हमारी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है तो हमारा व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार हो जाता है। हम लोगों के साथ अधिक आत्मविश्वास से मिलते हैं और प्रभावशाली ढंग से जुड़ते हैं। इससे हमें सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अब सोच रहे होंगे कि तीसरी आँख किस प्रकार देती है हमें सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा। जब हमारी तीसरी आँख एक्टिवेट होती है तब हम हमारे जीवन के प्रति अधिक सजग और रचनात्मक हो जाते हैं। हम सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं जिससे हमारा बिजनेस हो, निवेश हो या व्यक्तिगत जीवन, उसमें ज़बरदस्त वृद्धि होने लगती है। हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है जिससे लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और यही हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है और यही प्रेरणा हमें समाज के अंदर एक अद्वितीय पहचान दिलाती है। तीसरी आँख यानी कि अंदर से जानने की कैपेसिटी को डेवलप करना। तीसरी आँख का जागरण हमें यह एहसास करवाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये हमारे अंदर दिव्यता और शांति को प्रकट करती है। आंखें बंद करके देखना, सुनना, महसूस करना हमें ये महसूस करता है, ये समझने में मदद करता है कि हमारी सीमाएं केवल बाहरी सोच तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि जब हम इसे तोड़ते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि तीसरी आँख का जागरण केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि एक विज्ञान है, ये एक साधना है, ये एक कला है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में हम सभी की सहायता करती है। तो आइए जुड़े मेरे साथ, अपनी अद्भुत शक्तियों को पहचानें, इन्हें जागृत करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। मिलते हैं हमारी वर्कशॉप में, तब तक हरे कृष्णा राधे राधे।